नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने भारत अफ्रीका मैत्री गुलाब विज्ञान चाणक्यपुरी में रोज फेस्टिवल का उद्घाटन किया। चाणक्यपुरी में NDMC रोज फेस्टिवल में 75 से अधिक प्रकार के गुलाब प्रदर्शन किए गए। नई दिल्ली, the 2nd of March 2024, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष श्री अमित यादव ने डच दूतावास के कृषि सलाहकार श्री माइकल वॉन एरकिल की उपस्थिति में भारत अफ्रीका मैत्री रोज गार्डन शांति पथ चाणक्यपुरी नई दिल्ली में 6 दिवसीय गुलाब महोत्सव रोज फेस्टिवल #EndMicrossFestival का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर पालिका परिषद अध्यक्ष श्री अमित यादव ने 10 से 21 फरवरी 2024 तक ट्यूलिप महोत्सव के दौरान आयोजित ट्यूलिप फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेता सुश्री प्रेरणा, सुश्री शंपा मोइत्रा और श्री गोकुलानंद नंदन रहे। NDMC के अध्यक्ष ने गिव मी ट्रीज ट्रस्ट NGO के श्री इश्तियाक अहमद, जो ट्यूलिप वॉक के समन्वयक और मार्गदर्शक रहे, और श्री विक्रमजीत सिंह रूपराय, जो ट्यूलिप फोटोग्राफी प्रतियोगिता के निर्णायक रहे, को भी सम्मानित किया। NDMC रोज फेस्टिवल का उद्घाटन करने के बाद NDMC चेयरमैन ने कहा कि NDMC का रोज फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल और फ्लावर फेस्टिवल दिल्ली के प्रमुख इवेंट कैलेंडर में प्रमुखता से जगह बना चुके हैं। हजारों फूल प्रेमियों ने नई दिल्ली के दिल की सुंदरता और खुशबू को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की सराहना की है। श्री यादव ने बताया कि ट्यूलिप फेस्टिवल की सफलता और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महानुभावों से सराहना के बाद इस वर्ष NDMC कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ वसंत ऋतु का एक महोत्सव मना रही है। वसंत उत्सव की श्रृंखला के तहत NDMC रोज फेस्टिवल 2 से 7 मार्च 2024 तक 6 दिनों के लिए भारत अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन शांति पथ चाणक्यपुरी नई दिल्ली में सभी के लिए खुला रहेगा, जिसमें लगभग 75 से अधिक किस्मों के गुलाब प्रदर्शित किए गए हैं। जनता के लिए यह न केवल गुलाबों की सुंदरता को प्रदर्शित करता है, बल्कि नई दिल्ली क्षेत्र में खुशबू के साथ पर्यावरण को उत्तम भी बनाना है। NDMC अध्यक्ष श्री यादव ने जनता से अपील की है कि वे यहां आएं और गुलाब की किस्मों के माध्यम से फूलों की सुंदरता और जीवंतता का आनंद लें। श्री यादव ने वसंत ऋतु में ट्यूलिप गुलाब और अन्य फूलों की देखभाल करने वाले मौलियों की कड़ी मेहनत की सराहना की और इस अवसर पर ट्यूलिप और गुलाब के बागवानी के मौलियों की टीम को भी सम्मानित किया। उन्होंने ये भी बताया कि रोज फेस्टिवल में स्कूली बच्चों द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता और गुलाब पर विशेषज्ञ टॉक जैसे कार्यक्रमों की भी एक श्रृंखला आयोजित होगी। रोज फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में दिल्ली की बावलियां पर एक पुस्तक वाचन सत्र भी आयोजित किया गया। ये पुस्तक श्री विक्रमजीत सिंह रूपराय द्वारा लिखी गई है और इसकी प्रस्तावना श्री सोहेल हाशमी द्वारा लिखी गई। पुस्तक में जलाशय के रूप में जल संरक्षण के लिए दिल्ली की बावलियों की विरासत के गुणों और महत्व को दर्शाया गया है। श्री रूपराय ने दिल्ली की बावली के इतिहास और पानी के स्थानीय स्रोत के साथ साथ जलाशयों के रूप में उनकी सफलता की कहानियों के बारे में विस्तार से बताया। नई दिल्ली क्षेत्र में वसंत ऋतु का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ट्यूलिप फेस्टिवल, म्यूजिक इन द पार्क, फ्लावर फेस्टिवल, रोज फेस्टिवल और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। NDMC विभिन्न पहलों के माध्यम से नई दिल्ली की सुंदरता और जीवंतता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रही है, जिसमें ट्यूलिप गुलाब और विभिन्न प्रकार के फूल रोपण परियोजना परिषद के सौंदर्य की दृष्टि से अधिक सुखदायक और समृद्ध राजधानी शहर की निरंतर खोज के प्रमाण के रूप में काम कर रही है।